हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रंजीत और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पैसों काम पिलावा पर स्वागत करता हूं। आज 10 अगस्त है और आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने वाली है एजीआई ड्यूज के ऊपर। एक्चुअली एजीआई ड्यूज के ऊपर वर्डिक्ट ऑलरेडी अक्टूबर में आ चुका है, बट आज की जो हियरिंग है ये मार्च में आई थिंक गवर्नमेंट ने फाइल की थी कि स्टैगर्ड मैनर में एजीआर की पेमेंट अलाउ कर दे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको बहुत ही सिंपल में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आज ज्यादा फोकस वोडाफोन आइडिया पे एवर करूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम उसी में है। एयरटेल इज सेफ वन, सो कोई दिक्कत नहीं है एयरटेल में। हम एयरटेल आज वोडा आइडिया के रिजल्ट्स भी देखेंगे और क्या क्या एजीआर ड्यूज का क्या मतलब हिस्ट्री है, बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही सिंपल में ट्राई करूंगा समझाने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक बटन जरूर हिट करें और अंत तक बने रहे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। क्योंकि देखो, अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं भी किए हो तो मैं भी इसमें नहीं किया हूँ। मैंने भी बता दूं, डिस्क्लेमर दे दूं, मेरा इन्वेस्टमेंट एयरटेल में आइडिया में नहीं है। आइडिया में इसलिए नहीं क्योंकि मैं इतना रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, मेरी रिस्क एपेटाइट इतनी नहीं है। तो मैं सभी लोग से कहूंगा कि इस तरह के रिस्की स्टॉक्स को भी ट्रैक करें फॉर लर्निंग। मैं इन स्टॉक्स को ट्रैक इसीलिए करता हूँ क्योंकि इनसे सीखने को बहुत मिलता है और अर्निंग के लिए अच्छे स्टॉक्स को ट्रैक करें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो अंत तक, लेकिन बने रहिएगा। ये वोडाफोन आइडिया का कुछ रिजल्ट्स हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, मैं डिटेल में नहीं गया क्योंकि हम रिजल्ट्स के ऊपर आज नहीं बात कर रहे हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मेन जो है वो एजीआर के हियरिंग के ऊपर है। वोडाफोन आइडिया का हम पहले रिजल्ट देख लेते हैं। वोडाफोन आइडिया के रिजल्ट में आप देखोगे कि रिजल्ट डाउन है, रेवेन्यू थोड़ी सी कमी है, बढ़ने की वजह 9.3% से कम गई है। यहाँ पे ब्लूमबर्ग क्विंट का एस्टिमेट लिखा हुआ है। नेट लॉस थोड़ा सा बढ़ गया, उसका रीजन ये है कि इन्होंने 20,000 के आसपास का एजीआर ड्यूज के एक्सेप्शनल लॉस भी बुक किया है अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। ठीक है, इबिटा जो होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, वो भी डाउन है। मार्जिन थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, उसका रीजन ये है कि डाटा यूजर्स बढ़ गया है। डाटा यूजर्स लॉकडाउन में सबने नेटफ्लिक्स अमेजोन बहुत अच्छे से देखा है, मस्त मजे किए, सो 10.6% से डाटा यूज बढ़ गया। सब्स जो है मतलब सब्सक्राइबर जो है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है। ठीक है, चाहे वो मोबाइल और ब्रॉडबैंड और सब में थोड़ा थोड़ा डाउन है, बट परसेंटेज ऑफ फॉलिंग इन सब्स ऑल्सो गिरा है। मतलब कि जो जिस स्पीड से पहले घट रहे थे ना, वो घट गया। नेट डेट थोड़ा सा जो उधारी है वो बढ़ गया। लोन इन्होंने नई नई ली है, मेरे ख्याल से इंटरेस्ट के यहाँ पे कंपाउंड वो हुआ होगा एड, या फिर हो सकता है कुछ वर्किंग कैपिटल लोन्स लिए क्योंकि इन्हें लोन मिल नहीं रही है सीरियसली, वो बढ़ गया। ये बहुत सीरियस सिचुएशन है कि रेवेन्यू फॉल हो रहा है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट रहा है और आपके लोन्स बढ़ रहे हैं, और ये बहुत ही मतलब कि एक स्कैरी सिचुएशन होती है किसी कंपनी के लिए। ये एक तरह से बहुत ही वीक फंडामेंटल से, बहुत ही वीक फंडामेंटल से, मतलब कि मतलब जो होते हैं ना वीकेस्ट फंडामेंटल ऑफ स्टॉक्स होते हैं ना, मतलब एकदम परफेक्ट कैटेगरी में ये आ सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आगे और क्या क्या है। पहले हम एजीआर का थोड़ा सा बैकग्राउंड कर दूं, मैं डीप में नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा बता दूं कि एजीआर होता है क्या। एजीआर एक फी मैकेनिज्म है, शेयरिंग मैकेनिज्म। गवर्नमेंट ने लाइसेंस देती है टेलीकॉम कंपनी को कि आप स्पेक्ट्रम यूज करो, ठीक है, और उसके बदले हमें कुछ फीस दो। पहले 1919 में ऐसा था, एक फिक्स फीस दो। बाद में गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, हम रेवेन्यू शेयरिंग लेंगे, ठीक है, फिक्स नहीं लेंगे, जितना आपको रेवेन्यू हो रहा है उससे कुछ परसेंटेज लेंगे। तो ये बात हुई थी टेलीकॉम कंपनी और गवर्नमेंट के बीच में। बाद में डिस्प्यूट क्या हो गया, तो फिर डिस्प्यूट आ गया कि रेवेन्यू का डेफिनेशन पे आ गया। ठीक है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, एजीआर का मतलब ही है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। तो इस पे ये जो रेवेन्यू की डेफिनेशन है ना, इस पे बवाल हो गया। बवाल क्या हुआ, गवर्नमेंट कही कि रेवेन्यू वो नहीं है जो सिर्फ टेलीकॉम से तुम कमा रहे हो, टेलीकॉम वाले बिजनेस से जो तुम कमा रहे हो वो नहीं, रेवेन्यू इज पूरा जो भी आप मान लो कि कोई आपका ऑफिस है, कमर्शियल ऑफिस है, उसको आपने खरीदा था बाद में बेच दिया, जो प्रॉफिट आया उसको भी हमें दो, उसमें से भी शेयर हमें दो। आप मान लो किसी कंपनी का मोबाइल सेल्स करा रहे हो या अपने शॉप में अपने कस्टमर केयर सेंटर पे, तो वो उससे भी कोई प्रॉफिट आ रहा है वो भी हमें दो। और भी किसी प्रकार की बहुत सारी टेलीकॉम सर्विसेज देती हैं, आप लोगों को पता होगा बहुत सारी छोटी मोटी सर्विसेज हैं, तो उन सबसे बोलती है गवर्नमेंट कि हमें सब में से अपना मतलब चाहिए, उनमें से शेयरिंग चाहिए रेवेन्यू। और कंपनीज का कहना था कि नहीं, हम सिर्फ टेलीकॉम बिजनेस जो हम फोन पे बात करते हैं उस वाले बिजनेस से जो पैसे आ रहे हैं उसमें से हम शेयरिंग करेंगे। तो डिस्प्यूट ये था। पहले डिस्प्यूट जब भी टेलीकॉम में होता है वो TDST करके एक ट्राइब्यूनल वहां जाता है, वहां पे कंपनीज के फेवर में, टेलीकॉम कंपनीज के फेवर में आया था अनाउंसमेंट। गवर्नमेंट ने बोला
कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई। तो 1999 से ये सब मुद्दे चल रहे हैं, ठीक है, 2000 से पहले का ये मुद्दे चल रहे हैं, इसके ऊपर हियरिंग हुई थी। बहुत स्लो है अपना सिस्टम, 20 साल होने वाले हैं। सो 2019 में इसके ऊपर वर्डिक्ट आ गई है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। बिल्कुल ठीक सुन रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। ये जो आज फैसला होने वाला है ये कुछ और है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है भाई तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, गवर्नमेंट जो बोल रही है वो सही बोल रही है, तुम्हें रेवेन्यू में से शेयरिंग देनी पड़ेगी। तो अब कितना किसको देना पड़ेगा, अब ये मुद्दा आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जो हियरिंग सुनाई थी, वर्डिक्ट सुनाया है, उसमें कुछ ये डाटा है, मैंने ये सारी डिटेल बहुत सारे वेबसाइट से, न्यूज़ चैनल से कलेक्ट करके आपको यहाँ पे दे दिया। आप यहाँ पे एक कर पॉज करके आप पढ़ सकते हो किसको कितना देना है। सिंपली मैं बताऊँ, ये बैलेंस फीस है, लाइसेंस की फीस ये देने होते हैं। इसके ऊपर ये देखो इंटरेस्ट कितना है, जितना फीस है उससे ज्यादा तो डबल लगभग इंटरेस्ट है, और ये बढ़ चुका है, ठीक है। फिर कुछ पेनल्टी लगे, आपने ये फीस नहीं दिए तो पेनल्टी लगाओ। अब पेनल्टी पे भी इंटरेस्ट दो भाई, ये बहुत ही मस्त गवर्नमेंट ने पैसे यहाँ पे वसूली की है। लेकिन अब इसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा डिबेट में कि कौन सही बोल रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल में डिबेट कर लिया है, हमें उसके ऊपर नहीं जाना है। सो टोटल इतना आउटस्टैंडिंग है भारतीय एयरटेल का, वोडाफोन का और आइडिया का इतना है। तो ये वोडाफोन आइडिया दोनों मर्ज हो चुके हैं, सो ये दोनों का क्लब हो जाएगा। रिलायंस कम्युनिकेशन का इतना है, टाटा ग्रुप का इतना है, लिस्टेड में अभी इतने ही हैं, बाकी एयरसेल, टेलीनॉर और जो भी आपके बचपन के जो भी आपके ये टेलीकॉम के सिम थे वो सभी अभी इंसॉल्वेंसी में। सो BSNL भी है इसमें, वो जो भी चल रहा है लेकिन लिस्टेड नहीं है इसलिए उसको मैंने ऐड नहीं किया है। तो उन सब के डाटा मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन वो सब के भी है ड्यूज, ठीक है। करंट स्टैंड क्या है, मतलब कि अभी करंट सिचुएशन में क्या अभी चल रहा है। तो करंट में ये चल रहा है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में, ठीक है, हियरिंग जब सुनाई थी, वर्डिक्ट सुनाया था, तो इतना इतना बोला था सबको कि आप लोग, आपको देना है कंपनीज को, और लास्ट डेट बोला था कि 23 जनवरी 2020 को आपको देना है। फिर यहाँ पे जनवरी में बहुत सारे उल्टी सीधे चीजें हुई। हुआ क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है DOT, वो पता नहीं क्यों थोड़ा दया खा गया, और उन्होंने फिर मतलब सुप्रीम कोर्ट को बोला कि इनका इंटरेस्ट माफ कर देना चाहिए, जो ये इंटरेस्ट है पेनल्टी के ऊपर, और आई थिंक पेनल्टी भी माफ करने की ये लोग बात कर रहे थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो डांटा है दोनों को, टेलीकॉम कंपनी को भी और DOT को, जो भी वहां पे थे रिप्रेजेंटेटिव, तो कंपनीज को क्यों डांटा, कंपनीज को इसलिए डांटा क्योंकि कंपनीज ने ना अपने असेसमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि हमें इतना 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 देना है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पहले क्लेम जो की थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था देने को, वो ये अमाउंट था 43,000 भारतीय एयरटेल को, करोड़ में सारे फिगर्स 58,000 वोडाफोन आइडिया दोनों मिलाकर, टाटा ग्रुप को इतना और जियो को इतना, और कंपनी ने बोला कि हमें इतना इतना देना है। यहाँ पे सरप्राइजिंग देख सकते हो कि जियो थोड़ा मतलब पता नहीं इनका क्या लॉस है, बट पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बोला कि 71,000 देना, इन्होंने 195 रुपीज अपना कंपनी असेसमेंट किया, ज्यादा ही देने को बोल रहे हैं। सो वो इनकी अपना लॉजिक है, आई डोंट नो। सो कंपनी ने पेमेंट कितना कितना किया है, तो पेमेंट ये कर रखा है, ठीक है, इतना इतना पेमेंट कर रखा है। प्रोविजन कितना बनाया, तो इतना ही बनाया, 35,000 भारतीय एयरटेल ने, 44,000 अराउंड वोडाफोन ने, और 13,800 समथिंग टाटा ग्रुप ने। तो प्रोविजन इतना बनना चाहिए जितना डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बोला है देने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस पे वर्डिक्ट सुना चुका है। तो अभी भी देखोगे प्रोविजन कम है, कि ये थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि बहुत लेटेस्ट डाटा मुझे मिल नहीं रहा था, मुझे 2 बजे से पहले वीडियो अपलोड करनी है क्योंकि आज हियरिंग है। हियरिंग के बाद भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर हियरिंग के बाद आपको वीडियो देखनी है तो। आप हियरिंग तक का वेट कीजिए, मैं एक वीडियो और बना दूंगा। इतना पेमेंट करनी है और कंपनी ने इतनी पेमेंट कर रखी है, और प्रोविजन भी देखोगे थोड़ा भी कमी बना रखे हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जितना मांगा है उसका कितना परसेंट कंपनी अपने असेसमेंट में बता रही है, तो देखो बहुत ही कम है, 50 से सभी ने कम ही परसेंट बताया, बस जियो ने ओवर 277% बनाया, ठीक है, एवरेज 31% है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब ये हुआ था जनवरी में, उसके बाद मार्च में सुप्रीम कोर्ट में फिर से गवर्नमेंट ने फाइलिंग की, और उसमें बोला कि अब हम इसके ऊपर कि SCA मतलब सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग हुई है उसमें, कि स्टैगर्ड मैनर में पेमेंट अलाउ कर दे। गवर्नमेंट ने बोला है कि 20 साल हम कंपनियों को देना चाहते हैं, कि 20 साल में आप थोड़ा थोड़ा करके हमें दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये गवर्नमेंट का है। अब ये गवर्नमेंट ये क्यों बोल रही है कि 20 साल में दे दो, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक क्या बोला, क्योंकि जून में, जुलाई में 2-3 हियरिंग हो चुकी है,
तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी सुनवाई कर ली है, हर एक मुद्दे पे बात हो चुकी है, बहुत डाटा है। मैंने ट्विटर पे लाइव अपडेट दिया था लास्ट हियरिंग की। सो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग होती है हियरिंग, ये सब कुछ कॉर्पोरेट हियरिंग्स में क्लोजली जब मॉनिटर करता हूँ तो बहुत इंटरेस्टिंग थी। और बिल्कुल लाइव मैंने अपडेट किया था ट्विटर पे बहुत सारे सोर्सेज के थ्रू। सो बहुत इंटरेस्टिंग आज की भी हियरिंग होगी। आज भी मैं ट्विटर पे अपडेट करूंगा, नीचे ट्विटर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होती है, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। मैं जो ट्वीट है उसकी भी लिंक कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा। सो अब होना क्या, मतलब अब नेक्स्ट क्या होने वाला है? तो सुप्रीम कोर्ट अभी सुनवाई कर रहा है, गवर्नमेंट ने डीओटी ने प्रपोज किया सुप्रीम कोर्ट में कि 20 साल में हम पेमेंट करने के लिए, मतलब रिसीव करने के लिए, और कंपनीज को अलाउ करें कि 20 साल में थोड़ा थोड़ा करके दे दो चलेगा, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट है तो वहां पे अभी सुनवाई हो रही थी, बहुत डाटा था, मतलब बहुत सारे डिस्कशन हुए थे कि 20 साल में हम कैसे ट्रस्ट कर ले कि आप 20 साल में भाग नहीं जाओगे। वोडाफोन आइडिया को खासकर बोला कि आप तो फॉरेन कंपनी, आप भाग तो जाओगे तो फिर क्या होगा ये वो। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिटेल हुआ था कि आप मान लो 20 साल तक प्रॉफिट ही नहीं कमा पाए तो फिर कहाँ से दोगे, ये वो बंद हो गए तो फिर क्या होगा। सो बहुत ही डिटेल हुआ था। सो उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा, वो मैंने ऑलरेडी अपडेट कर रखे हैं। सो उसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में मतलब कि पूछा गया इनसे कि आप लोग कितने साल में आप लोग दे सकते हो। तो टाटा टेली सर्विस जो है टाटा ग्रुप के, उन्होंने बोला कि 7 से 10 साल में हम कंफर्टेबल है दे देंगे। फिर एयरटेल और आइडिया से भी बात हुई, तो वोडाफोन आइडिया से, तो उन लोगों ने थोड़ा बोला कि एटलीस्ट हमें 15 साल के मोहलत दे दो कि हम 15 साल में पेमेंट कर दें। सो 15 साल भी मिल गया तब भी आइडिया टिक जाएगा, आइडिया जिंदा रहेगा। 15 साल से कम में देना पड़ा, बहुत मुश्किल है बहुत। आपको मैंने फंडामेंटल्स ऑलरेडी दिखा रखे हैं, बैलेंस शीट के ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पे नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट देखोगे बहुत हालत ख़राब है, कैश घट रहे हैं, कैश फ्लो आ नहीं रहा, और डेब्ट भरे जा रहे हैं, रेवेन्यू आ नहीं रहा है, और इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ी जा रही है। तो ये एक बहुत ही स्कैरी सिचुएशन होती है किसी भी कंपनी के लिए। थोड़ा यहाँ पे टफ है, बट देखते हैं कि क्या होता है। गवर्नमेंट चाहती क्या है, तो गवर्नमेंट के ने क्या है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सेंटेंस बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, कि गवर्नमेंट ने इतना लड़ाई किया टूथ एंड नेल का और पेनल्टी और ये सब के ऊपर आर्गुमेंट हो चुकी है। सो अब कह रही है गवर्नमेंट कि इंटरेस्ट को जाने दो, इंटरेस्ट हमें नहीं चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट कह रही थी सुप्रीम कोर्ट को। तो बहुत ही जोर का डाटा था, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट था, वायरल हुआ था। सो गवर्नमेंट क्यों ये कर रही है, तो गवर्नमेंट क्योंकि ड्यूपॉली नहीं चाहती है। आपको पता ही होगा कि अभी जियो और एयरटेल यही दो मेन प्लेयर बचेंगे अगर वोडाफोन आइडिया को कुछ हो गया तो, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने पैसे मांगने तो एयरटेल कैसे भी करके दे देगा, उसके पास है कैश फ्लो अच्छा है और रिजल्ट अच्छे थे, ये वाले रिजल्ट ठीक ठाक थे, वन टाइम प्रोविजनिंग थी एजीआई ड्यूज की। एयरटेल को भी बहुत मस्त डाटा था लास्ट ईयरिंग में, एयरटेल ने जो अपना असेसमेंट किया था वो अपना कॉन्फिडेंट बोला कि हमने तो पेमेंट कर दिया, हमारा ऑलमोस्ट डन है। तो सुप्रीम कोर्ट बोला ऑलमोस्ट डन कैसे, आप ये रीअसेसमेंट नहीं कर सकते, पहले ही वर्डिक्ट हो गए तो ये रीअसेसमेंट की बात ही नहीं आती, आप अपना कुछ भी नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मजाक नहीं बन रहा है, मतलब बहुत जोर का डाटा था। तो एयरटेल ने भी अपनी प्रोविजनिंग कर ली है। सो एयरटेल फिर भी अभी ठीक है, कंडीशन है, बैलेंस ही ठीक है, रेवेन्यू आ रही है और ग्रोथ भी है। जैसा कि अगर देखोगे कि वोडाफोन आइडिया की कैपेक्स भी फॉल हुई है, ठीक है, और इसकी एयरटेल अभी भी कैपेक्स कर रहा है, और बहुत सारे आई थिंक अभी रिसेंटली दो एक फॉरेन की वेबसाइट या समथिंग कुछ इन्होंने एक्वायर भी किया है, और बहुत सारे एक्विजिशन और एक्सपेंशन चल रहा है एयरटेल में। तो एयरटेल को उतना दिक्कत नहीं है, वोडाफोन आइडिया को है। तो गवर्नमेंट अगर बचाना चाहती है वोडाफोन आइडिया को इसीलिए, क्योंकि ड्यूपॉली नहीं चाहती है, कस्टमर को फिर बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा रिचार्ज के लिए, उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा गवर्नमेंट को दिक्कत होगी, गवर्नमेंट का ही नुकसान है इसमें। तो गवर्नमेंट ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि वोडाफोन आइडिया डूबे, ये उन इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव है जो वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी होल्ड किए हुए हैं। दूसरा, गवर्नमेंट 300 मिलियन यूजर्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, डिस्टर्ब मतलब यहाँ पे मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि अब अगर मान लो मेरे पास भी वोडाफोन का सिम है, अगर कल को वोडाफोन आइडिया बंद हो जाती है तो मुझे किसी और कंपनी में शिफ्ट होना पड़ेगा, तो बहुत सारे ऐसे मेरे मतलब बैंक अकाउंट्स और बहुत सारी चीज़ें, आधार सब कुछ लिंक होता है हमारे नंबर से, तो अगर हमारा नंबर बंद हो गया हमें न्यू नंबर फिर पोर्ट कराना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही दिक्कत हो जाएगी लोगों को। जैसे बहुत सारे लोग तो इजीली कर लेंगे, बहुत इजी है मेट्रो सिटीज़ में ये सब पोर्ट कराना और समथिंग एल्स, लेकिन गांव देहात में जो लोग रहते हैं मतलब
अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं वो लोग को बहुत दिक्कत हो जाएगी, और कई लोग अपने नंबर न्यू ले लेंगे, वो पोर्ट नहीं कराएंगे, फिर उनको हर जगह अपडेट कराना पड़ेगा, भाई मेरा नंबर चेंज हो गया अपडेट कर दो, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी पूरे कंट्री में। और 300 मिलियन यूजर है अभी भी वोडाफोन आइडिया का, 300 से थोड़ा ऊपर नीचे होगा। और अगर वोडाफोन आइडिया बंद होता है तो 11,000 के आसपास अभी करेंट एम्प्लॉय हैं, जो डायरेक्टली है, इनडायरेक्टली भी बहुत से एम्प्लॉयज होते हैं, सबको नुकसान होगा। और ऐसे वोडाफोन आइडिया 18,000 एम्प्लॉय से स्टार्ट किया था जब मर्ज हुआ था, और वहां से 11,000 आ चुका ऑलरेडी, काफी सारे इन्होंने निकाल चुके हैं, क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं है, जॉब सैलरी कैसे देंगे, पैसे ही नहीं है इनके पास। ये मैंने ऑडिटर और मैनेजमेंट के व्यू लगा रखे हैं, यहाँ पे ऑडिटर का ये स्क्रीनशॉट है, बिल्कुल मैंने रिपोर्ट से रिजल्ट जो अनाउंस करती है कंपनी वहां से ये स्क्रीनशॉट डाला है। और ये स्टेटमेंट हर पिछले 3-4 क्वार्टर में देखोगे, ये स्टेटमेंट हर जगह रहेगा कि कंपनी के गोइंग कंसर्न डिपेंड करते हैं एजीआर ड्यू पे, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है, और यहाँ देखो स्पेशल ऑडिटर ने यहाँ पे सिग्नेचर किया था, इसको मैंने हाइड कर दिया है, मुझे नहीं पता कि इसे शो करना चाहिए था कि नहीं, सो मैंने इसको हाइड कर दिया। तो मतलब ये बहुत ही सीरियस स्टेटमेंट है ऑडिटर के द्वारा, ये हर कंपनी में ऑडिटर अपना व्यू देता है, और ऑडिटर ने नोट टू में बेसिकली एजीआर के बारे में डिटेल लिखा हुआ है, तो ये काफी सीरियस है। अब मैं आता हूँ अपने अपने व्यू पे कि मेरा क्या व्यू है वोडाफोन आइडिया के ऊपर। एक बात तो क्लियर है, वोडाफोन आइडिया को गवर्नमेंट डूबना नहीं देना चाहती, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट में गई थी गवर्नमेंट, ताकि उनको स्टैगर्ड मैनर में 20 साल में पेमेंट करने को लिए अलाउ कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था कि पेमेंट करो, फिर गवर्नमेंट को जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट इसको डूबने नहीं देना चाहती थी इसलिए गई है। तो एक चीज तो क्लियर है, गवर्नमेंट साथ में, अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वो कानून अंधा होता है, कानून सिर्फ वो फैसला ऑलरेडी सुना चुकी है, अगर वो अपने अगेंस्ट में जाते कि नहीं अब नहीं देना पड़ेगा तो ये नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू क्या रह जाएगी। उन्होंने एक बार बोला कि भाई पेमेंट करो, दूसरी बार बोलेगी कि पेमेंट ना करो, ये सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नहीं करने वाली, मेरे को तो बहुत ही रेयर लग रहा है, बट हो सकता है कुछ भी पॉसिबल है, क्या पता सुप्रीम कोर्ट एज अ जनरल पब्लिक के हेल्प के लिए कर सकती है, इस तरह के एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट होते हैं, तो एक बहुत बड़ी केस स्टडी बन जाएगी कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए जो एमबीए और ये सब करते हैं फाइनेंस रिलेटेड कोर्सेज, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन गवर्नमेंट जैसे यस बैंक को डूबने नहीं दी थी ना, वैसे इसको भी डूबने नहीं देगी, बट जैसा कि आप लोग को एज अ शेयर होल्डर हमें रिटर्न चाहिए होता है, हमें एज अ ट्रेडर रिटर्न चाहिए होता है, तो रिटर्न की अगर मैं बात करूँ तो जैसे आप लोगों को पता हो यस बैंक के साथ क्या हुआ, पहले मोरेटोरियम लगा था तो यस बैंक क्रैश किया था, 5 रुपये तक हो गया था, उसके बाद गवर्नमेंट ने बचाया उसको धीरे धीरे के करके न्यूज आई और बचाया, तो इस तरह का हो सकता है इसमें भी अब कुछ महीनों में दिनों में हो, ठीक है, तो ये वॉलिटिलिटी बनी रहेगी, ये अचानक से 20%, 30%, 50%, 100% भी भाग सकता है, और वैसे ही गिर भी सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत है ये फ्यूचर इन ऑप्शंस में अभी तक है, तो इसके ऊपर कोई भी सर्किट लिमिट नहीं है, अगर मान लो ये 20% का सर्किट लगाता है तो अगले ही 30 मिनट के अंदर ये हॉल्ट होगा और 30 मिनट के बाद खोलना पड़ेगा, तो ये पूरे दिन सर्किट मार सकती है, कोई भी दिक्कत इसको नहीं होगी, तो वो ऊपर की हुई तो आपको फायदा, नीचे की हुई तो लॉस, तो ये मैं बोलूंगा कि थोड़ा रिस्की सिनेरियो है, तो इसमें आप ट्रेड ना करें, जो लेस रिस्की इन्वेस्टर, जो रिटेल है, जो 10-20 हज़ार 50 हज़ार के साथ इन्वेस्ट करते हैं, वो इसमें ज्यादा पैसा ना लगाए। देखो हमें ये ना एक तरह से, जैसे अगर कोई रचना डांडे मैम का देखता होगा वीडियो, तो वो बोलते हैं पार्टी फंड में स्टॉक सही है, मतलब अगर मेरे को 1,000, अगर मेरे पास 1 लाख का पोर्टफोलियो है, मैं 1 लाख से कैपिटल से ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं 1,000 इसमें लगा दूंगा, 1,000 जीरो भी हो जाए मुझे कोई दुख नहीं है, तो उतना ही लगाना है कि जीरो हो जाए, मतलब एकदम बिल्कुल प्रोविजन करनी, जैसे कंपनी ने प्रोविजन कर रखी है ना अपनी एजीआरडीज की, तो आपको भी प्रोविजन करनी होगी, मेरे को ये पूरा लॉस भी हो जाए मेरे को कोई दुख नहीं, उतना पैसा लगा दो, लॉटरी टिकट है, जो कैशिनो जाते हैं ना, कैशिनो में खेलते हैं, मतलब हीरो जीरो एक्सपायरी में लोग ट्रेड करते हैं, तो बस वही है ये, ठीक है, तो आप लोग वही लगाएं, पैसा जो डूब जाए तो भी दिक्कत नहीं, एक चीज बस है गवर्नमेंट डूबने नहीं देगी, बाकी और कुछ पॉजिटिव नहीं है। अगर गवर्नमेंट बचा भी लेती है ना, अगर मान लो कि हियरिंग में होता है कि 10 साल में पेमेंट कर दो, ठीक है, या 15 साल में ही पेमेंट कर दो, तो पेमेंट भी बहुत मुश्किल होने वाली है 15 साल के लिए वोडाफोन आइडिया के लिए, खासकर एयरटेल तो कर देगी बट वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो मैं कहूंगा कि अगर सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है एयरटेल के साथ जाइए, रिस्की करनी है तभी इसमें जाइए, और इसमें ना
ऐसा नहीं कि ये ऐसा स्टॉक नहीं है कि बाय किया और भूल गया, ठीक है, वो बाय राइट सिट टाइट नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पे आपको बाय करना है, एग्जिट स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि एग्जिट भी बहुत जल्दी कर जाए, मान लो 10% गया एग्जिट कर गया और ये 50% चला गया, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एक थ्योरी होता है, वो यूज करना है आपको। पिछले एक दिन का, 2 दिन का लो का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हो, अगर बहुत ज्यादा भाग गया तो आवरली कैंडल पे स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ, पिछले आवर का लो का या उसके पिछले आवर का हाई का। तो एक डाउ थ्योरी यूज करके या किसी भी तरह से कुछ भी यूज करके आप बस स्टॉप लॉस रखो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और ऑर्डर लगा के ही रखो क्योंकि रिस्क बहुत है, तो स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के रखिएगा। और जो लोग लेस रिस्की है, मैं बोलूँगा बिल्कुल अवॉइड करो, 10-20 हज़ार वाले जो वो, मैं 50 हज़ार का पोर्टफोलियो देखा हूँ जिसमें 10 हज़ार आइडिया में लगा, तो वो नहीं करना है, वो बहुत रिस्की है। तो ये इस तरह की गलतियां बिल्कुल आप लोग ना करें। मैं इस तरह के और भी वीडियोस बनाता रहूंगा इस चैनल पे, और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो मैं इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, ये सब रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ। आप मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं अपना लेटेस्ट जो भी न्यूज़ आती है वहाँ पे मैं मॉर्निंग और इवनिंग में एक न्यूज़ सेशन भी करता हूँ, वहाँ पे मैं लेटेस्ट न्यूज़ सारे अपडेट करता रहता हूँ। और वहाँ पे आजकल एक क्वेश्चन एंड आंसर की क्विज भी करता हूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, बहुत से लोगों ने गलत जवाब दिए बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन के। आप मुझे टेलीग्राम इस पे ट्विटर पे जरूर फॉलो कर दें, क्योंकि ट्विटर पे आज मैं अपडेट करूंगा जो भी एससी सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में बातें चलेगी, एक एक स्टेटमेंट मैं वहाँ पे अपलोड करता जाऊंगा, ठीक है। और आप मुझे बाकी सोशल मीडिया चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट करना ना भूले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अब ये नहीं विनोद कमेंट कर देना, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सभी ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग।